नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने वादे के अनुसार। मैं फिर से हाजिर हूं और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कूलिंग टावर की वीडियोस के बाद में सबसे पहली बात यही होती है कि जो हम पानी चल रहा है उसमें क्या मेंटेन करते हैं और क्यों मेंटेन करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो पानी के बारे में बात करते हैं, कौन सी रिपोर्ट्स हम मेंटेन करें, हमारे कूलिंग टावर में क्या क्या कितना कितना होना चाहिए, ये सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कहीं कहीं कूलिंग टावर के बारे में जानकारी पूछ लेते हैं तो अगर हमें नहीं पता है तो हम परेशान हो जाएंगे। तो हम सबसे पहली बात अगर ये कहें कि प्रश्न इसमें कौन सा है, कौन सा प्रश्न किया हम जवाब दे रहे हैं, तो प्रश्न हमारा ये है, कूलिंग टावर के पानी के क्या रिपोर्ट्स होने चाहिए। क्या रिपोर्ट्स होने चाहिए उसके साथ जो रिपोर्ट्स आप देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं यार, प्लांट में जो काम कर रहा है वो रोज रिपोर्ट देखता है अपने मन में और क्या ध्यान में। देखिए, हम रिपोर्ट बता दें कि इतना 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 मेंटेन करते हैं, बात खत्म होगी, तो कुछ लोगों को ठीक लगेगा कि यार सही, चलो बता दिया इतना इतना मेंटेन करेंगे। लेकिन उसके पीछे की कहानी जब पूरी बता देंगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाएगी, है ना, अपना प्रयास ये रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं कि रिपोर्ट्स हम क्यों मेंटेन करें, है ना। पानी के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है, एक होता है पीएच एक नंबर, दूसरा नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं हार्डनेस, या ये कह दीजिए हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर नहीं, हार्ड वाटर। तीसरे नंबर पे क्या होता है, टीडीएस। टीडीएस क्या है, पीएच क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझिए कि पीएच क्या है, पानी में होता है, दूध में होता है, हर चीज में होता है, तो आखिर ये है कौन सी वाला, तो ये चीज मैं बता रहा हूं आप सबको। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप सब के लिए हमेशा प्रयासरत है कि आपको ओरिजिनल अच्छी चीजें, जो प्लांट से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक पहुंचाए जो आपके जहन में और मन में आते हैं। तो दोस्तों करते हैं पीएच की। तो ये क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो हम कूलिंग टावर के पानी में पीएच देखते हैं, उस पीएच का मतलब होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा उसमें कितनी है। ये बात तो यार कुछ अलग सी लग रही है, क्यों, तो ये समझ में आया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हार्डनेस क्या होता है, पानी के अंदर बहुत सारे तत्व घुले रहते हैं, एक तो पीएच हो गया, दूसरा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एक हार्डनेस हो गया। हार्डनेस को हम किसमें नापते हैं, पीपीएम में, किसमें, पीपीएम में। पीपीएम मतलब, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अच्छा, ये कितना होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अब वो देखिए, मिलियन मतलब पार्ट्स, मतलब ये जो पार्ट्स हैं उसके अंदर हार्डनेस के, एक मिलियन में कितने हैं, मतलब जी, ठीक है,
अच्छा टीडीएस, अब चला टीडीएस भी तो एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके इसका मतलब भी तो कुछ होता होगा, है ना? तो टीडीएस क्या है, क्या हो गया टोटल टीडीएस, मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड पार्ट्स ऑफ मिलियन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। डिसॉल्व मतलब समझ रहे होंगे ना, वो तत्व जो डिसॉल्व्ड सॉलिड मतलब जो पानी के अंदर पूरी तरह घुल जाते हैं। बड़ी मस्त है, आपको पानी के अंदर पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर कुछ मिले हुए, है ना? टोटल डिसॉल्व उसी के अंदर पूरा अंदर मतलब हल हो गया। तो एक तो ये हो गया। अच्छा इसको जो है कितना टीडीएस कितना मेंटेन करें, पीपीएम ये अपना हार्डनेस कितना मेंटेन करें, ये तो समझ में आ गया, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। अब हम रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें कितना मेंटेन करना चाहिए, हार्डनेस कितना मेंटेन करना चाहिए, टीडीएस कितना मेंटेन करना चाहिए। और हाँ साथ में ये भी पता चल जाएगा अभी कि आरओ वाटर जो चलाते हैं इसमें लगभग कितना आता है ना नॉर्मल वाटर के अलावा। चलिए बात करते हैं, तो ये इसको हटा देते हैं, आपको इसका मतलब पता चल क्या है, पीएच क्या है, टीडीएस क्या है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि पीएच कितना होना चाहिए। पीएच जो हमारे कूलिंग टावर में हम मेंटेन करते हैं उसमें जो है पीएच हमारा होना चाहिए 7 to 8.5। हमारे पीने के पानी का 7 होता है, तो 7 to 8.5% तक पीएच, 8 पीएच होना चाहिए, ठीक है। पीएच की रिपोर्ट हमारी ये। दूसरे नंबर पे आता है जो कूलिंग टावर का पानी है उसका रिपोर्ट है, ये कितना होना चाहिए, कितना से कितना तक होना चाहिए, वाटर रिपोर्ट। इसके आस मतलब ये आपको स्टैंडर्ड बता रहे हैं हम कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए और इसके बाद बात करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आती है हार्डनेस। हार्डनेस अच्छा हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, तो हार्डनेस में होना चाहिए आपका, हार्डनेस होनी चाहिए 40 to 60 की, 40 to 60 बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए। ये पीएच कितना 7 to 8.5, हार्डनेस कितना 40 to 60। और इसके बाद आता है टीडीएस। टीडीएस कितना 1200 से लेकर के 1500 तक ले लीजिए। टीडीएस कितना 1200 से 1500 और हार्डनेस कितना 40 to 60 और पीएच कितना 7 to 8.5। अच्छा हार्डनेस या टीडीएस बढ़ने से क्या होगा, तब तो जो बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आपके जो कंडेंसर चल रहे हैं उनमें कचरा और जमने लगेगा और परेशानी बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ जाएगा इसका। जब कचरा बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ जाएगा। जब पानी के अंदर केमिकल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं हार्डनेस के तत्व जो भी तत्व हैं उनकी बढ़ोतरी होगी तो पीएच भी बढ़ जाएगा, और पानी की क्वालिटी बोलते हैं खराब हो गई तो वो खराब हो जाएगी। खराब होने पानी खराब चलाओगे आपके जो ट्यूब्स चल कंडेंसर के ट्यूब्स हैं उनके अंदर स्केलिंग हो जाएगी, जम जाएंगे। जो जो ट्यूब 1 इंची का है वो आपका 0.5 का ही बचेगा, उसके अलावा उसमें स्केल जम जाएगा। ये लाइन होती है ना ऐसा लाइन, तो इस पता लगा इतना 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 उसमें स्केल ही जमा हो गया अंदर अंदर, अब इतने इतने पानी चल रहा है बस, ठीक है। तो इसलिए पानी की शुद्धता जरूरी है, और कितना कितना हमें इसमें मेंटेन करना है ये चीज आप समझ लीजिए। हमको पीएच कितना चाहिए 7 to 8.5 हमारे कूलिंग टावर के लिए, हार्डनेस कितनी चाहिए 40 to 60 और टीडीएस कितनी चाहिए 1200 से 1500, ठीक। अच्छा एक बात और है, सारे प्लांटों में लगभग अब जो है एक चीज कंपलसरी लगभग हो गई है, आरओ प्लांट साथ में लगा ही देते हैं। प्लांट जो है जो भी सक्षम है आज के समय में तो आरओ प्लांट, अब बिना आरओ का ही पानी कूलिंग टावर में लेते हैं। तो जो आरओ की रिपोर्ट्स हमारी कूलिंग टावर की होती है
वो कितनी हो सकती है, होती है, ये देख लीजिए, है ना। अब भाई जो कूलिंग टावर पे पड़ा है उसका तो भाई बढ़ना है धीरे धीरे, लेकिन जब आर ओ का पानी उसमें ऐड करते रहते तो मेंटेन क्वालिटी थोड़ा मेंटेन रहती है। चलिए आर ओ में जो है पीएच हमारा कितना रहता है, 7-8 और हार्डनेस, हार्डनेस कितना, हार्डनेस और टीडीएस मेंटेन कितनी रिपोर्ट मेंटेन करनी है, 7-8 अपना पीएच, हार्डनेस अपना 20-25 और टीडीएस अपना 300-450 इतना लगभग आरओ का अपना आता रहता है। जितना अच्छा रिजल्ट्स दे दे आरओ, कोई जरूरी नहीं है इससे भी अच्छे और रिजल्ट्स भी दे देते हैं, कम और कर देते हैं टीडीएस हार्डनेस अपने, जब 300-400 को हम पानी उसमें ऐड करेंगे थोड़े, अगर हम मेंटेन थोड़ी भी साफ सफाई मेंटेन करते हैं तो हमारा टीडीएस जो है पॉन्ड का तो हमें इतना चाहिए इतना, तो वो धीरे धीरे जो है मेकअप होता रहता है। और इतने जब हम मेंटेन करते हैं तो हमें जो है हमारे कंडेंसर में जामिंग और ये स्केलिंग नहीं हो पाती है और अच्छे रिजल्ट्स, जो कूलिंग के अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, इसलिए हमको इतनी रिपोर्ट्स मेंटेन करना चाहिए जिसमें टीडीएस हार्डनेस और पीएच सारी वैल्यूज मैंने आपको बताई। कैसा लगा वीडियो और आपको जानकर के कैसा लगा, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी मिली है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।